सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। इस समय एक दिक्कत आ रही है सभी लोगों को, वो दिक्कत ये आ रही है कि जो आयुष्मान कार्ड के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी डायलिसिस होते हैं या बाकी सारी चीज़ें जो आयुष्मान कार्ड के अंदर होती हैं, किसी ने सर्जरी करवानी है, किसी ने किस तरह का ऑपरेशन करवाना है, आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड पर सर्जरी नहीं करेंगे, डायलिसिस नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो चला चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल पा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एलजी साहब तक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड सभी हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट करें और लोगों को ये दिक्कत ना आए, खास करके गरीब लोगों को। मेरे साथ रिजुल हैं। रिजुल, आपको भी पता चला है, आपके भी किसी फ्रेंड के फादर साहब ने डायलिसिस कराना था, इसलिए मैंने कहा कि आप ही से बात करते हैं। क्या आपको मना किया हॉस्पिटल ने, जिस हॉस्पिटल में आप गए थे? आशीष जी, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, मैंने बनाई है खुद ही। उसने क्या किया है वहाँ पे कि मना कर दिया सीधा कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई है। और फिर आज सुबह से मैं उनके फादर का जो डायलिसिस था वो होना था, उसके लिए मैंने काफ़ी 3-4 हॉस्पिटल्स में कॉल किया, 1-2 हॉस्पिटल्स विजिट किया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं जम्मू में, 99% आप श्योरिटी ले लो मेरे से कि वो आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं। और एक पे तो मेरे फ़ोन पे भी बात हुई है, जो BN हॉस्पिटल है, उधर किसी मैम ने कॉल उठाया, मैंने कहा मैम मेरे फ्रेंड के फादर का ऐसे ऐसे डायलिसिस होना है, तो आप एक बारी डायलिसिस के लिए मेरे को ये बता दीजिए कि कैसे करवा सकते हैं। तो उन्होंने पेमेंट बताई कि इतनी पेमेंट लगेगी, आयुष्मान कार्ड हम ले नहीं रहे हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है HIFCO टोक्यो के साथ इनका टाई अप है, वो पेमेंट हमें नहीं कर पा रही है। वो पहले भी एक बारी नोटिफाई हुआ, आपने भी पहले नोटिफाई किया, बट इससे लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस, ये जो आयुष्मान कार्ड है JNK में तो सभी के लिए है, जिसने अपना ऑपरेशन करवाना है वो भी लेट है ऑपरेशन के लिए, डायलिसिस वाले लोग वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली 3,000 के आसपास या 2,800 रुपये के आसपास जो डायलिसिस की कॉस्ट आती है, तो वो 3,000 रुपये कॉस्ट या 2,800 रुपये कॉस्ट या 2,000, इतना कॉस्ट हर कोई नहीं बेयर कर सकता। लोगों के हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार डायलिसिस होते हैं, हफ्ते में 2 बार तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे फ्रेंड के फादर का भी हो ही रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से LG साहब को और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को और मोदी जी को और सबको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो आयुष्मान कार्ड है, इसका जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाए। एज ऑफ नाउ अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। मैंने एक ट्वीट भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट किया है कि कुछ नहीं होना चाहिए, अभी आप चलने दीजिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि कार्ड जो है वो मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलना बंद हो गए हैं, और जो ले भी रहे हैं वो बड़ी मेजर सर्जरीज जो हैं उस पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मार्च के बाद हमें उसकी पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई। मैं रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब, मनोज सिन्हा जी को और साथ में PM साहब को भी, कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इनके अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो ख़त्म करवाया जाए, ताकि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, डायलिसिस के मरीज़ हैं, किसी ने सर्जरी करानी है, ऑपरेशंस हैं लोगों के, तो वो आयुष्मान कार्ड के अंदर हो जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा रिजुल का, जो हमेशा यूथ के लिए और आम लोगों के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं, सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही युवा लोग हमें चाहिए जो सोसाइटी के लिए आवाज़ उठाएँ, सोसाइटी के भले के लिए आवाज़ उठाएँ। बाकी आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको भी कहीं पे आयुष्मान कार्ड मना किया गया किसी हॉस्पिटल द्वारा, आप भी इस वीडियो पे लिख के बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। राम राम।